जय हिंद दोस्तों, यह है आपका हाटेश्वरी मंदिर जुब्बल रोडू हाटकोटी में ये स्थित है। और जो ये मंदिर है बहुत पुराने मंदिर है, महाभारत के काल का ये मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि जिस समय पांडव वनवास पर निकले थे उसमें उन्होंने यहाँ पे ये निर्माण किया था। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मंदिर के साथ यहाँ रहने के लिए रेस्ट हाउस, होटल्स और बहुत सारी सुविधाएं और गेस्ट हाउस भी यहाँ रहने के लिए है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का सीनरी दिखाता हूँ। और जो पूरे सामने आप ये ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज हाटकोटी में। यहाँ पे ये ट्रैक बन रहा है और साथ में ये यहाँ पे नदी बहती है। थोड़ा मैं आपको आर पार के दृश्य दिखाता हूँ। मौसम भी बिल्कुल बादल छाए हुए, पहले इन खेतों में धान की पैदावार होती थी, लेकिन आज लोगों ने यहाँ पे सेब के पौधे लगा लिए। और साथ में जो पहले इधर को एक किसी के पास था, लेकिन अब मंदिर के पास चला गया। और यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगर आप शिमला से चलते हैं तो शिमला से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। शिमला से आने के लिए बसेस, छोटी कार, आप बहुत सुविधा है वहाँ से आने की। और साथ में यहाँ एक प्रोजेक्ट भी बन गया है और यहाँ पे कृत्रिम झील तैयार हो गई है। और दोस्तों, यहाँ हाटेश्वरी मंदिर में एक हांडा बोलते बर्तन है, एक अगर वो माता के अंदर पांव में चैन से बंधा है, कहते हैं कि अगर अंदर से खुल जाए तो वो वापस नदी में चला जाता है। और जब बारिश आती तो वो हिलने भी लगता है। आप ये देख सकते हैं, आज भी यहाँ पांडव द्वारा बनाई गई जो कलाकृति है, आज भी यहाँ पे ये स्थित है। अवश्य अगर आपके पास समय है तो आप अवश्य इस मंदिर को देखें, बहुत बढ़िया है। नदी के किनारे बसा मंदिर। दोस्तों, ये था हाटेश्वरी मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप अवश्य बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो भी मेरे को जानते हैं, मेरे फेसबुक 5000 फ्रेंड, इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब वाले, जो भी मेरे को जानते हैं चाहे नहीं जानते, जो भी इनको जानते, कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और बेल आइकॉन वाली घंटी को बजाना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।